अगली नस्लें जो मुखालफतें देखेंगी वो बड़ी बड़ी हुकूमतों के इज्तिमा की मुखालफतें होंगी, क्योंकि ये दौर जो है ये मिटा दिया जाने वाला दौर है। ये छोटी छोटी चंद हुकूमतें मिलकर जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जो दुनिया से मांग कर पलती हैं और हर चीज में मोहताजी रखती हैं, और खुदा ने जो थोड़ा बहुत दिया है उसी पर तकब्बुर का ये आलम हो गया है कि खुदा की जमातों से टक्कर लेने की सोच रही हैं, ये दौर मिटने वाला दौर है। आइंदा भी मुखालफत जरूर होगी, इससे कोई इनकार नहीं है, क्योंकि जमात की तकदीर में ये लिखा हुआ है कि मुश्किल रास्तों से गुजरे और तरक्यात के बाद नई तरक्यात की मनाजिल पर दाखिल हो। ये मुश्किलात ही हैं जो जमात की जिंदगी का सामान मुहैया करती हैं। इस मुखालफत के बाद जो अगली मुखालफत मुझे नजर आ रही है वसी पैमाने पर, वो एक दो हुकूमतों का किस्सा नहीं है, उसमें बड़ी बड़ी हुकूमतें मिलकर जमात को मिटाने की साजिशें करेंगी, और जितनी बड़ी साजिशें होंगी उतनी ही बड़ी नाकामी उनके मुकदमे में भी लिख दी जाएगी। मुझसे पहले खुलाफा ने आइंदा आने वाले खुलाफा को हौसला दिया था और कहा था कि तुम खुदा पर तवक्कुल रखना और किसी मुखालफत का खौफ नहीं खाना। मैं आइंदा आने वाले खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि तुम भी हौसले रखना और मेरी तरह हिम्मत और सब्र के मुजाहरे करना और किसी दुनिया की ताकत से खौफ नहीं खाना। वो खुदा जो अदना मुखालफतों को मिटाने वाले खुदा वाला खुदा है, वो आइंदा आने वाली ज्यादा कवी मुखालफतों को भी चिकना चूर करके रख देगा और निशान मिटा देगा उनके दुनिया से। जमात अहमदिया ने बहरहाल फतह के बाद एक और फतह की मंजिल में दाखिल होना है। कोई दुनिया की ताकत इस तकदीर को बहरहाल बदल नहीं सकती।